नमस्कार विद्यार्थियों, आज मैं आपको जो टॉपिक पढ़ाने वाली हूँ वो कंपटीशन एग्जाम्स में समसामयिकी दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है और एग्जाम्स में पूछा भी गया है। अब जो आप मेरे वीडियोस देखेंगे उनमें आपको समसामयिक घटनाक्रम के बारे में भी मैं आपको वीडियो में बताऊंगी और आपके नोट्स तैयार करवाऊंगी, ताकि करण जीके के जितने भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आते हैं वो आप सब कर सके। इसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। आज जो हमारा करंट का सबसे अच्छा टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है विद्यार्थियों, नागरिक संशोधन विधेयक 2019। नागरिक अधिकार संशोधन विधेयक 2019 जो आया उस पर 12 दिसंबर 2019 को राष्ट्रपति जी ने हस्ताक्षर कर दी। अब बात दिमाग में ये आती है, क्या है नागरिक अधिकार संशोधन विधेयक? देखो विद्यार्थियों, अगर हम संवैधानिक दृष्टिकोण से देखें, किस दृष्टिकोण से देखें? संविधान के दृष्टिकोण से अगर हम देखें विद्यार्थियों, तो हमारा संविधान का भाग दो, संविधान का भाग दो जो है वो नागरिकता के बारे में बताता है। किसके बारे में बताता है? नागरिकता के बारे में बताता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक जो है वो किसका उल्लेख करता है? नागरिकता का उल्लेख करता है। और इसी अनुच्छेद 11 में, इस बात का प्रावधान किया गया है। क्या प्रावधान किया गया है? कि नागरिकता से संबंधित मामलों में विधि द्वारा संसद किसी नई विधि को विनियमित कर सकती है, संविधान में संशोधन कर सकती है। ये कहता है अनुच्छेद 11। संसद को क्या देता है? अधिकार देता है। क्या अधिकार देता है? कि नागरिकता से संबंधित जो विधेयक है उसमें क्या कर सकती है? संसद संशोधन कर सकती है। और विद्यार्थियों, नागरिक अधिकारों का संशोधन विधेयक सबसे पहले जो आया, नागरिकता से संबंधित जो संशोधन विधेयक जो सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है वो अधिनियम है विद्यार्थियों, नागरिक अधिकार संशोधन विधेयक 1955। नागरिक अधिकार संशोधन विधेयक 1955, ये विधेयक क्या कहता है? इसने कहा कि नागरिकता जो है जन्म से हासिल की जा सकती है, नागरिकता वंश से हासिल की जा सकती है, नागरिकता देशीयकरण से हासिल की जा सकती है, नागरिकता जो है रजिस्ट्रेशन के माध्यम से ग्रहण की जा सकती है। ये 5 प्रकार जो है इसने नागरिकता प्राप्त करने के बताए, किसने? नागरिकता अधिकार संशोधन विधेयक ने। और इसने कहा कि अगर कोई अप्रवासी है और भारत में अगर उसको नागरिकता प्राप्त करनी है तो उसको 11 साल तक भारत में रहना पड़ेगा, 11 साल तक उसे भारत में रहना पड़ेगा। और अगर कोई विदेशी देश से अपने देश में आकर के रहता है तो उसके पास में क्या होना चाहिए? कागजी जो दस्तावेज है वो उपलब्ध होने चाहिए। और जिनके पास में कागज या दस्तावेज उपलब्ध नहीं है वो अप्रवासी श्रेणी में रखे जाएंगे। किस श्रेणी में रख दिया उनको? अप्रवासी श्रेणी में रख दिया गया विद्यार्थियों। तो नागरिकता अधिकार संशोधन विधेयक जो है वो क्या है विद्यार्थियों? नागरिकता अधिकार संशोधन विधेयक जो है, जो कि 1955 में आया था, इस नागरिकता अधिकार संशोधन विधेयक में कहा गया कि जो एक तो कागज जो अप्रवासी आएगा, एक के पास तो कागज होंगे और एक जो होगा वो कागज के बिना होगा। तो जिसके पास में कागज है वो नागरिकता प्राप्त कर सकता है, लेकिन जिसके पास में कागज नहीं है उस नागरिक को अप्रवासी माना जाएगा। समय समय पर नागरिक अधिकार 1955 में कई संशोधन भी किए गए। उन
मान सकते हैं 1986, 1992, 2003, 2006, 5 और 2015 में भी संशोधन हो चुके हैं विद्यार्थियों, लेकिन अभी जो नागरिक अधिकार संशोधन विधेयक 2019 जो सबसे ज्यादा चर्चा में रहा है वो ये है नागरिक अधिकार संशोधन विधेयक, जिस पर विवाद भी उठा। ऐसे क्या कारण थे कि नागरिक अधिकार संशोधन विधेयक पर पूरे देश में जो है दंगे फसाद हुए, उपद्रव हुए, तो उसके पीछे क्या कारण रहे, ये हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो देखिए विद्यार्थियों, नागरिक अधिकार संशोधन विधेयक 2019 में कहा गया है कि अगर आपके पास में निवास का कोई प्रमाण पत्र नहीं है तो भी आपको क्या दी जानी है, आपको नागरिकता मिल जाएगी। मतलब जिसके पास कागज नहीं है वो अप्रवासी नहीं माना जाएगा, उसे भी नागरिकता मिल सकती है। इसके बाद ये कहा गया कि तीन देशों से आने वाले, पहला है आपका बांग्लादेश, कहाँ है बांग्लादेश, दूसरा है अफगानिस्तान, तीसरा है पाकिस्तान। ध्यान रखना विद्यार्थियों, क्वेश्चन पुटअप हो सकता है किन तीन देशों में के अप्रवासी नागरिक भारत में आकर के रह सकते हैं, तो तीन का ध्यान रखना है विद्यार्थियों, पहला है बांग्लादेश, दूसरा है अफगानिस्तान और तीसरा है पाकिस्तान। बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, इन तीन देशों के शरणार्थी भारत में आकर के रह सकते हैं, इससे उन्हें नागरिकता प्रदान की जाएगी। इसी से संबंधित है नागरिक अधिकार संशोधन विधेयक 2019। ये लेकिन 6 अल्पसंख्यकों को ही भारत में आने की अनुमति प्रदान करता है। वो कौन कौन से हैं विद्यार्थियों, पहला है आपका हिंदू, जो भी इन तीन देशों में हिंदू रहते हैं वो भारत में आकर के रह सकते हैं। दूसरा है बौद्ध, तीसरा है जैन, चौथा है पारसी, फिर आता है ईसाई। ये जो आपने जातियां देखी, हिंदू, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई, इन पांच समुदायों को भारत में आने की अनुमति प्रदान की है इस नागरिक अधिकार संशोधन विधेयक ने, कहा है। अब आपने यहाँ पर एक चीज नोट करी होगी विद्यार्थियों, जो मुद्दा भी बना विरोधी पक्ष के द्वारा, वो ये था कि इसमें मुसलमानों को शामिल नहीं किया गया। तो मुसलमानों ने कहा कि इन छह समुदायों में मुसलमानों को शामिल क्यों नहीं किया गया, तो भारत सरकार द्वारा कहा गया कि इन तीन देशों में पाकिस्तानी अल्पसंख्यक नहीं है और इन देशों के संविधानों में साफ सुथरा लिखा हुआ है कि अल्पसंख्यक समुदायों के संरक्षण की व्यवस्था नहीं है, ये जातियां बहुसंख्यक है तो इसलिए इनको भारत में बसाने की आवश्यकता नहीं है, ये तर्क दिया गया था। तो ध्यान रखना, नागरिक अधिकार संशोधन विधेयक 5 समुदायों को लेकर के आया, हिंदू, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई, इन 5 समुदायों को लेकर के यहाँ पर आया। 6 समुदाय, सिख, सॉरी एक और रह गया सिख, इन 6 समुदायों को लेकर के आया कि ये 6 समुदाय भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं विद्यार्थियों। अब आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि भारत सरकार या मोदी सरकार ने इस संशोधन विधेयक को लाने के पीछे उद्देश्य क्या था, तो ध्यान रखना विद्यार्थियों, इस विधेयक को लाने के पीछे उद्देश्य यही था कि इन तीन देशों में हमारे हिंदू, जैन, सिख, पारसी, इन सब के साथ अत्याचार हो रहा था, उनको अत्याचारों से मुक्त कराने के लिए भारत सरकार द्वारा यह संशोधन विधेयक लाया गया ताकि वो भारत की नागरिकता प्राप्त करके भारत में रह सके, इसीलिए संशोधन विधेयक
लाया गया था ताकि ये जो इनका शोषण और उत्पीड़न हो रहा है इनको शोषण और उत्पीड़न से बचाने के लिए भारत सरकार द्वारा इन नागरिकों को भारत में लाने का एक प्रयास है, नागरिक अधिकार संशोधन विधेयक। अब बात आती है इसकी शर्तें क्या है। देखो मैंने आपको बताया था कि नागरिक अधिकार संशोधन विधेयक 1955 में कहा गया था कि 11 साल तक भारत में नागरिक रहेगा वो ही व्यक्ति क्या कर सकता है, भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है, ठीक है। लेकिन अगर मान लो वो अब इस 11 साल से इसको क्या कर दिया गया विद्यार्थियों, 5 साल तक भी अगर कोई भारत में रहता है इन अल्पसंख्यक समुदायों में तो उसे भारत की नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी। अब इसमें एक चीज और कहा गया कि जो 31 दिसंबर 2014 से पहले यहाँ पर बस चुके हैं उनको अप्रवासी नहीं माना जाएगा। 2014 के बाद जो भारत में रह रहे हैं वो अप्रवासी हो सकते हैं क्योंकि उनके नागरिकता तभी प्रदान की जाएगी जब वो 5 साल तक यहाँ पर रह लेंगे, उससे पहले वो अप्रवासी माने जाएंगे। लेकिन भारत सरकार का ये एक ऐतिहासिक कदम माना जाता है कि उन्होंने कहा कि 31 दिसंबर 2014 से पहले जो नागरिक या जो ये अल्पसंख्यक समुदाय भारत से बाहर विदेशी में रह रहा है उनको अप्रवासी नहीं माना जाएगा। तो जब ये विधेयक पारित हुआ और इसमें ये बात कही गई तो हमारे भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों ने इस बात को मुद्दा बना दिया और कहा, लेकिन ध्यान रखना नागरिक अधिकार संशोधन विधेयक में साफ लिखा हुआ है कि 6 अनुसूची में जो राज्य शामिल है असम मेघालय मणिपुर त्रिपुरा, ये जो राज्य हैं इनको 6 अनुसूची में शामिल किया गया है और यहाँ पर ये एनआरसी ये जो आपका कैब है CAB ये कैब लागू नहीं होगा। सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल 2019 लागू नहीं होगा। लेकिन फिर भी उत्तर पूर्वी राज्यों ने कहा कि कैब को लागू नहीं किया जाना चाहिए और पूरे उत्तर भारत पूर्वी भारत में दंगे और फसाद होने लग गए। सॉरी, वहां की सरकार का ये मानना था कि यहाँ पर ये जो कैब आप लोगों ने लागू किया है ये गलत है। उनका मुद्दा ये रहा कि असम जहां पर एनआरसी का नाम सुना होगा विद्यार्थियों, नेशनल रजिस्ट्रार जो आपका सिटीजनशिप है, एक जो सिटीजन है नागरिकों का जो आपका रजिस्ट्रेशन उसमें जहां पर मिलता है जो ये बताता है कि कौन भारत का नागरिक है और कौन भारत का नागरिक नहीं है, नेशनल सिटीजन रजिस्टर ये बताता है, क्या बताता है कि आप भारत के नागरिक है या नहीं। 2005 में भी इस बात को कहा गया कि एनआरसी को वापस से क्या किया जाना चाहिए, बनाया जाना चाहिए। और एनआरसी जो थी, इस एनआरसी को जारी करने वाला पहला राज्य था असम, जहां पर एनआरसी को लागू किया गया। और इस क्यों किया गया, इसके पीछे रीजन यही था कि जब भारत और बांग्लादेश के बीच में जब विवाद हुआ तो उस समय काफी पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में जब समस्या पैदा हुई तो कई बांग्लादेशी यहाँ आकर के शरण ली थी। तो असम लोगों की प्रभुसत्ता, उनकी भाषा और संस्कृति को खतरा महसूस हो रहा था तो असम की जनता ने कहा कि यहाँ पर एनआरसी बनाया जाना चाहिए। और कई बार ये विवाद होता, 2005 में भी ये बात होती, 2015 में भी एनआरसी को लेकर के बात होती और अंत में जाकर के 31 अगस्त 2019 को अपडेट किया गया एनआरसी को और जारी किया गया, जिसके तहत कई असम की जनता जो थी वो एनआरसी से बाहर हो गई थी, भारत की नागरिकता से बाहर हो गई थी। तो असम में कहा गया कि अगर हम नागरिक अधिकार संशोधन विधेयक को लागू करते हैं तो एनआरसी का प्रभाव क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा और हमारी भाषा संस्कृति कल्चर
को हम बचा नहीं पाएंगे, क्योंकि कई जो जातियां हैं यहां आकर के रहने लग जाएगी। लेकिन विद्यार्थियों ये तर्क विहीन बात है। क्यों? क्योंकि संशोधन विधेयक में साफ कहा गया है कि छठी अनुसूची में शामिल जो भी राज्य है वहां पर इन जातियों को नहीं बसाया जाएगा। उसके बाद आता है अनुच्छेद 14 का उल्लंघन। अनुच्छेद 14 का क्या कहना है कि कानून के समक्ष सभी को समान माना जाएगा। अनुच्छेद 14 समानता की अगर हम बात करें तो पांच, ये जो आपने छह जातियां बताई, इन छह जातियों या समुदायों को ही नागरिकता का प्रावधान की बात क्यों कही गई? मुसलमानों को इससे अलग क्यों किया गया? ये 15 का उल्लंघन है। लेकिन इसके पीछे भारत सरकार ने यह पक्ष रखा कि भारत और पाकिस्तान का विभाजन अगर धार्मिक आधार पर नहीं होता तो ये हमें अल्पसंख्यक समुदायों की बात आज हम नहीं कर रहे होते, लेकिन अगर धार्मिक अल्पसंख्यकों का शोषण हो रहा है तो हमें ये कदम उठाना पड़ेगा। और मुसलमानों को इसमें शामिल नहीं करने के पीछे भी कारण यही रहा है। क्यों? क्योंकि मुसलमान इन देशों में बहुसंख्यक है। अब बात आई, कई विरोधियों ने यह तर्क भी दिया कि श्रीलंका में तमिल, रोहिंग्या समस्या, कई ऐसी शरणार्थी जातियां हैं जिनको इन छह समुदायों में शामिल नहीं किया गया। तो इन छह समुदायों के अलावा जो शरणार्थी जातियां थी उनको भी भारत में भारतीय नागरिकता में शामिल किया जाना चाहिए। लेकिन भारत सरकार ने यही तर्क दिया कि हम समस्त वर्ल्ड के अल्पसंख्यकों को तो भारत में बसा नहीं सकते, लेकिन हमारे जो आसपास है, जो भारत से अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में भारत के ही लोग हैं तो इनको हम भारत में बसा सकते हैं। समस्त विश्व की जो अल्पसंख्यक जातियां हैं उनको नागरिकता हम प्रदान नहीं कर सकते। उसके बाद द्विपक्षीय संबंधों पर असर, मुसलमानों को इसमें शामिल नहीं करने से भारत और पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश और के संबंध बिगड़ सकते हैं, उन पर भी बुरा असर आ सकता है। तो ये नेगेटिव पक्ष है नागरिक अधिकार संशोधन विधेयक 2019 के। तो ध्यान रखना है विद्यार्थियों, यह विधेयक जो कि 12 दिसंबर 2019 में राष्ट्रपति जी ने इस पर हस्ताक्षर किए, जिसको सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल कैब 2019 कहा जाता है, ये जो है छह जातियों से, छह समुदायों से संबंधित है, हिंदू, बुद्ध, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई और सिख। इन छह जो अल्पसंख्यक समुदाय है इनको भारत में नागरिकता दिलाने के लिए जो संशोधन विधेयक लाया गया उसी का नाम है नागरिक अधिकार संशोधन विधेयक। देखो विद्यार्थियों, आज हमने नागरिक अधिकार संशोधन विधेयक को पढ़ा, आगे आने वाले टाइम में करंट अफेयर्स से जितने भी अपडेट्स है, जितनी भी सरकार की तरफ की जो योजनाएं हैं, संशोधन है, इन सब की डिटेल मैं आपको देती रहूंगी। तो इसके लिए आपको नव भारती स्टडी सर्कल चैनल को लाइक्स करना पड़ेगा, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा कमेंट दें, ताकि मैं ये जान सकूं कि मेरी आवाज मैं बच्चों तक, विद्यार्थियों तक पहुंचा रही हूं। इसी के साथ विद्यार्थियों धन्यवाद। नेक्स्ट टॉपिक लेंगे सरकारी योजनाएं।